नमस्कार, मेरा नाम दिलीप पिठुआ है और सीनियर आर्ट डायरेक्टर एंड कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर एसोसिएशन का मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। ये मामला हमारी एसोसिएशन का है जो पिछले 7 सालों से कुछ इल्लीगल लोगों ने कब्जा करके रखी हुई थी, जिसका पिछले 7 सालों में जहाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में ये लिखा गया है कि भैया आपको हर 2 साल में इलेक्शन कराने हैं, पर जो लोग बैठे हुए हैं वो पैसों का दुर्व्यवहार कर रहे हैं, ऑफिस का दुर्व्यवहार कर रहे हैं, अपने निजी कामों के लिए ऑफिस चला रहे हैं, अपने निजी कामों के लिए यूनियन के पैसे खर्च कर रहे हैं, इसीलिए उनको इलेक्शन नहीं करवाना है। हमारे मेंबरों ने सबने मिल के इलेक्शन करवाया 2 जुलाई को और आज हम लोग ऑफिस का ताबा लेने आए। हमारे कुछ मेंबर सुबह आए, उन्होंने ऑफिस के अंदर गए और ऑफिस के अंदर बैठे और लॉक किया। मामला बहुत सिंपल है, ये वर्करों की, मेंबरों की ऑफिस है, ये किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। हम लोगों ने आंबोली पुलिस स्टेशन में बार बार गुहार लगाई है, पर आंबोली पुलिस स्टेशन का हमेशा एक ही कहना होता है कि आप जो है कोर्ट से ऑर्डर ले आए, कोर्ट से ऑर्डर ले आए। और हमारी न्याय संस्था का जो है, आपको पता है कि कोर्टों में कितने सालों लग जाते हैं। किसी के घर का मसला नहीं है जो यहाँ ट्रेस पास किया जाए या किसी के घर के अंदर हम कब्जा करने आए, यह नहीं है, ये मेंबरों का है, संस्था है जो मेंबरों को सालाना मेडिकल की हेल्प मिल रही है, जो वयस्क है, जो सीनियर सिटीजन है, उनको 1500 रुपये पेंशन मिल रही है, जिनकी मृत्यु हो जाती है उनके परिवार को 2 लाख रुपये हम लोग कंपनसेशन देते हैं। अब पिछले 5 सालों से तो ये सारी जो फैसिलिटीज़ है वो बंद हैं, क्योंकि इनका कहना है कि हमारे पास पैसे नहीं है, आप लोगों ने बैंक अकाउंट फ्रीज करके रखे हैं, हम लोग कुछ कर नहीं सकते। पर इन लोगों ने कहीं ना कहीं दूसरा अकाउंट खोल दिया, मेंबरों से जीपे पे पैसे ले रहे हैं। ट्रेड यूनियन एक्ट के हिसाब से आप जीपे पे पैसे नहीं ले सकते, पर इन्होंने जीपे पे पैसे लेने शुरू कर दिए, लोगों से कैश में व्यवहार कर रहे हैं। ये इतना कुछ गलत 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 चल रहा है जो हमने ट्रेड यूनियन में लिख के बताया, हमने आंबोली पुलिस स्टेशन में बताया, हमें कोर्ट को गुहार लगाइए, पर कहीं हमें कोई न्याय नहीं मिल रहा है। आज हम 5 साल से सब मेंबर परेशान हैं, सिर्फ 8-10 लोगों के लिए जो अंदर बैठे हुए हैं और ये पुलिस के पास जाते हैं, हमारा कब्जा है, हम अंदर बैठे हुए हैं, हमें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। और पुलिस भी कहती है आप जाओ कोर्ट जाओ। पिछले 2021 से लेके ये 2023 आ गया, 2021 में हमारी मदर बॉडी फेडरेशन ने हमारा इलेक्शन कराया था, तब से लेके मैं कोर्ट कचहरी ही भाग रहे हैं हम, पर कहीं कुछ नहीं है, डेटे ही नहीं आ रही हैं। हमारी कोर्ट व्यवस्था भी इतनी बिजी है कि उनके लिए बड़े केसेस नहीं हैं, उनके लिए ये मायने नहीं रखता, तो हमारे केसेस आ ही नहीं रहे बोर्ड पे। तो जब तक वो आ नहीं रहे ये बैठे हुए हैं, और पुलिस के पास जाओ तो पुलिस कहती है कि नहीं वो आपका केस चल रहा है तो आप जाओ कोर्ट में। अरे पर ना तो हमको स्टे दिया ना उनको स्टे दिया, कोर्ट ने कोई आदेश दिया क्या? नहीं दिया है तो हमें अपनी कार्रवाई करने दीजिए, पर नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप ये रोक टोक से परेशान होकर आज मेंबर्स जो हैं वो ऑफिस के अंदर आ गए हैं और वो ऑफिस में अपने आप को लॉक कर गए हैं। उनका ये कहना है कि भैया आप चाहे कुछ भी हो जाए हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ये मसला है पूरा आज का। सर आप समझिए, यहाँ अगर किसी को ये बोला जाता है कि अगर आप सालाना चंदा नहीं भरोगे, अगर आप पैसे नहीं दोगे तो आपको मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलेगी, आपको डेथ कंपनसेशन नहीं मिलेगा, आपको बाकी जो सुविधा है वो नहीं मिलेगी, तो लोग मजबूरी में जीपे कर रहे हैं। आज अगर हमारा किसी प्रोड्यूसर के पास 5 लाख रुपये बाकी है, हम यूनियन में गुहार लगाने आते हैं तो बोलते हैं काम करिए, पहले इतना पैसा जीपे करिए, तब हम वो प्रोड्यूसर से बातचीत करेंगे। जबकि आप यूनियन लीडर हैं, आपका फ़र्ज बनता है कि आप उस प्रोड्यूसर से बातचीत करके लोगों को न्याय दिलाएं, उनके पैसे निकलवाएं, पर नहीं, पहले आप हमके इतना पैसा जीपे करें तब हम तुमको न्याय दिलाएंगे, ये चल रहा है यहाँ। आपने अपने नज़दीकी पुलिस चौकी में एफआईआर लिखित में कुछ सर ये सारे जीपे के एविडेंस के साथ हम लोगों ने आंबोली पुलिस स्टेशन में दिए हुआ है, कंप्लेंट दी हुई है बाकायदा कि सर ये दिखे, ये जीपे पे उन्होंने पैसे लिए हुए हैं, इस पर आप कार्रवाई करें। उन्होंने कहा हम कार्रवाई करेंगे, ये देखिए ये सारे जीपे के अमाउंट्स हैं, ये उन्होंने लिए हुए हैं, है ना, ये सारे जीपे पे लिए हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं। तो ये सारे हमने प्रिंटआउट निकाल के आंबोली पुलिस स्टेशन में दिए हुए हैं, पर आंबोली पुलिस स्टेशन ने उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की है। अब शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि आज जो हमारे साथ हो रहा है वो किसी और के साथ ना हो, और हमें कानूनी तरीके से, जो आज पुलिस का हमारे पे इतना दबाव आ रहा है कि आप यहाँ अंदर नहीं जा सकते, अंदर नहीं जा सकते, इस दबाव को हमारे पे से हटाया जाए। हमारे 2500 मेंबरों की
जो एक भरोसा है इस संस्था पे उसको वापस रिस्टोर किया जाए। ये सामाजिक कार्य करने के लिए संस्था खुली है, यहाँ कोई सैलरी पे नहीं होता, यहाँ कोई कन्वेंस पे काम नहीं करता, हम यहाँ काम करने आए मेंबरों के लिए, हमें ये काम करने दिया जाए और ये जो इल्लीगल लोग बैठे हुए हैं, जो करप्ट लोग हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सर अपनी संस्था का नाम एक बार और बता दीजिए और अपना नाम। एसोसिएशन ऑफ सिने एंड टेलीविजन आर्ट डायरेक्टर्स एंड कॉस्ट्यूम डिजाइनर हमारी संस्था का नाम है और मैं इनका सीनियर वाइस प्रेसिडेंट दिलीप पीठवा बोल रहा हूँ। धन्यवाद। और इनमें से कोई भी इलेक्टेड मेंबर नहीं है, सब कॉप किए हुए मेंबर हैं, ये यहाँ पर पीछे के दरवाजे से घुसे हुए मेंबर हैं, कोई भी इलेक्टेड नहीं है। हमको एक बार इनको कोर्ट ने भी एक बार 2018 के लिए निर्देश दिया था कि आपका कार्यकाल 2018 में कंप्लीट हो रहा है, लेकिन इन्होंने कोर्ट की भी अवहेलना की है, कोर्ट की भी बात नहीं सुनी है। उसके बाद हमारी मदर बॉडी ने इनको निर्देश दिए कि तुम्हारा चुनाव 2 साल के अंदर होना चाहिए, 2 साल के बाद तुम्हारा 3 साल हो गया है, इन्होंने बोला हम करते हैं। फिर 2020 में मदर बॉडी ने इनको नोटिस दिया कि भाई तुमको चुनाव करना चाहिए, इन्होंने मदर बॉडी को टालते रहे और बाद में मदर बॉडी को बोल दिया कि हम तुम्हारे साथ है ही नहीं, जबकि ऐसा होता नहीं है। मदर बॉडी से हटने के लिए इनको SGM बुलानी होती है, वैसा इन्होंने मेंबरों से कुछ डिस्कस नहीं किया, इन्होंने डायरेक्ट 4 मेंबरों ने बैठ कर डिसीजन ले लिया कि हम मदर बॉडी को नहीं मानते। जब मदर बॉडी को नहीं मानते तो इनको SGM बुलानी चाहिए थी, सारे मेंबरों से पूछना चाहिए था, क्योंकि मदर बॉडी ही हमारी मेन गार्जियन है, उसके बिना हम लोग पूरी इंडस्ट्री अनाथ हो जाती है मदर बॉडी के बगैर, लेकिन ये लोग मदर बॉडी को भी नहीं मानते। कुछ नहीं सर, देखो सत्ता जो है ना उसका मोह बहुत खराब होता है, चुनाव ना होने के कारण, क्योंकि ये तो जीत के आए ही नहीं है, ये सब तो हारे हुए लोग थे जिनको इन्होंने प्रेसिडेंट को कॉप, प्रेसिडेंट ने कॉप किया हुआ है। सर यहाँ आपको अंधेरी में बड़ी ऑफिस मिल जाती है, आपको चाय पानी पिलाने के लिए ऑफिस बॉय है, एसोसिएशन की गाड़ी है, एसोसिएशन का ड्राइवर है जिसको एसोसिएशन पगार दे रही है, आपको यहाँ से मीरा रोड लेकर जा रही है गाड़ी, मीरा रोड से लेकर आ रही है, आपके बच्चों को घुमाने के लिए लेकर जा रही है, आपकी घर की सब्जी लाने के लिए एसोसिएशन की गाड़ी यूज़ हो रही है, आपकी प्राइवेट मीटिंग है जो पर्सनल मीटिंग है वो एसोसिएशन के ऑफिस में हो रही है। आप कितने ही बजे एसोसिएशन में आओ, आप खाना मंगाते हो, रोज का 1,000, 5,000 का खाना आ रहा है। सर ये सब मेंबरों के पैसे से हो रहा है ना, तो सर आप क्यों छोड़ोगे इस कुर्सी को जब आपको सारी सुख सुविधाएं मिलती है और ऊपर से जीपे पे लोगों के पैसे मिल रहे हैं, महीने के 2-3 लाख की इनकम हो रही है, तो आप क्यों छोड़ोगे सर उस कुर्सी को? आप तो लड़ते ही रहोगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये कुर्सी मैंने छोड़ दी तो ये सारी सुख सुविधाएं मेरी खत्म हो जाएगी। जो लोग कुर्सी पे बैठे हैं उनसे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, उन लोगों से यही कहना है कि भाई आप भी मेंबर हो, हम भी मेंबर हैं, मेहरबानी करो इन मेंबरों पे और ये कुर्सी छोड़ दो, बस इतना ही कहना है। आपके साथ ऐसे कितने मेंबर खड़े हैं जो आपकी बात से सहमत हैं? सर मेरे साथ मेरी एसोसिएशन के 2,500 मेंबर खड़े हैं, उनके साथ कोई खड़ा ही नहीं है। बस ये है कि मेंबर कह रहे हैं कि हमने आपका इलेक्शन करवाया सर, हमने आपको जिताया है, आप लोग अभी इनसे निपटिए। कोई यहाँ 2,500 मेंबर तो आएंगे नहीं काम धंधा छोड़ के, पर अगर हम चुन के आए हैं और अगर उन्होंने हमको वोट दिया है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके लिए कुछ काम करें। मैं असिस्टेंट कॉस्ट्यूम डिजाइनर हूँ और मैं आज अपने एसोसिएशन के ऑफिस में आई हूँ, ये मेरा घर है दूसरा, क्योंकि यहाँ से मुझे रोजी रोटी इंडस्ट्री में पहचान मिली है और आज मैं यहाँ आई हूँ और अंदर बंद किया है हम लोग ने, 4-5 लोगों ने, क्योंकि ये एसोसिएशन के द्वारा जो रूल्स रेगुलेशंस बाहर जाते हैं और जिसके वजह से हमको इंडस्ट्री में काम मिलता है वो मिलना बंद हो गया है, क्योंकि 7 साल से कुछ लोगों ने यहाँ पे ताबा लिया है, रंगाराव चौगुले, सुकांत पानीगिरी, दिगंबर तरेकर, भावना, लवलीन, पिया बेगल, ये लोग हैं और ये लोग ने 7 साल से कुछ नहीं किया है। हमने बहुत कोशिश की इनसे पहले मिले, फिर उसके बाद हमने मेंबरों की मीटिंग बुलाई 4 तारीख को, फिर 4 जून को हमने मीटिंग बुलाई, उसमें इनको बुलाया कि बैठ के बात करते हैं, कुछ करना है, बट इन्होंने नहीं सुने। फिर हम लोग ने सारे मेंबरों ने मिलकर इलेक्शन डिक्लेयर किया, उसमें भी इनका हाथ पैर जोड़ा कि आप लोग आओ और आप लोग इलेक्शन के लिए साथ दो। बहुत कोशिश किया हम लोग ने, लेकिन ये नहीं माने ये लोग। और फिर कुछ 275-350 के करीब लोग मेंबर आए जिन्होंने वोटिंग की, हम जीते, सब कुछ हुआ, उस जीतने के बाद भी हम लोगों ने 2 जुलाई को हमारा इलेक्शन हुआ था और हम आए इनके पास, हाथ पैर जोड़े कि अब कुछ अच्छा होने दो, अब कुछ अच्छा होने दो, लेकिन इनका दिल नहीं पिघला।
और आज मजबूरन हमको मजबूर होके यहाँ आना पड़ा है एसोसिएशन के ऑफिस में, और हम आके ऑफिस में अपने आप को हमने बंद कर लिया है। ये बाहर से गुंडे और पुलिस लेके हमारे सामने पुलिस की पूरी गाड़ी लगी है बाहर। मैं एक वीडियो मैंने पुलिस की बनाई है, वो भी मैं भेजती हूँ आप लोगों को। और ये लोग दबाव डाल रहे हैं, और ये लोग बाहर इंडस्ट्री में हम लोग को बोल रहे हैं कि इनको कोई काम मत देना, अगर कल को हमको काम नहीं मिल रहेगा तो हमारा घर गृहस्थी कैसे चलेगी। इसके लिए अगर ये हमको नहीं मिलता है जैसा जो हमारा हक है, प्रशासन हमको नहीं देता है, पुलिस हमको बार बार आके धमकी दे रही है, हमको अरेस्ट करने की बात कर रही है, हमको मारने पीटने की बात कर रही है, गुंडे आके हमको मारने पीटने की बात कर रहे हैं, अगर ये हमको हक नहीं मिलता है, हमको इंडस्ट्री में काम नहीं मिलेगा, तो हमको भी मजबूरन कुछ ना कुछ कदम उठानी पड़ेगी, क्योंकि हमारी हमारे पास और दूसरा कोई रास्ता नहीं फिल्म लाइन के साथ। तो हम अगर मरेंगे भी तो हम इसी ऑफिस में मर के जाएंगे, अब हम बाहर नहीं जाएंगे। या तो हमको हमारा हक मिले या तो हमारी यहाँ से जान जाएगी। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनंती है कि 2500 मेंबरों के लिए हम लोग कुछ लोग लड़ रहे हैं, आप लोग यहाँ पे आइए और हमको सपोर्ट कीजिए। कल सुबह एसोसिएशन के ऑफिस में जितने लोग आ सकते हैं प्लीज़ आप लोग आइए, आप लोगों से हमारी हाथ जोड़ के विनती है, बस मैं यही कहना चाहती हूँ आप लोगों से। मैं मधु अवस्थी, असिस्टेंट कॉस्ट्यूम डिजाइनर, कार्ड नंबर 2170। और मैं आज अपने एसोसिएशन के अंदर आके, ऑफिस के अंदर आके हम लोग अपने आप को बंद कर लिए हैं, क्योंकि बहुत दिनों से हम लोग देख रहे थे कि बहुत गलत हो रही है यहाँ पे। कई बार आवाज़ उठाया, हम लोगों ने बात करने की कोशिश की कि दादा कुछ करो हम लोगों के लिए, इंडस्ट्री में बहुत हालत ख़राब है। कभी किसी ने कुछ सुना नहीं, कभी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। रीज़न हमेशा दिए, बैंक बंद हो गया है, ये हो गया है, बहुत सारे कुछ ना कुछ रीज़न देते रहे हम लोगों को। और आज इतनी कंडीशन ख़राब है कि इंडस्ट्री में कोई इज्जत नहीं है, कुछ नहीं है, काम नहीं है। और इसका जिम्मेदार है सिर्फ हमारे एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट, और जो उनके साथ जो दो चार लोग हैं वो गिने चुने, जो 7 साल से तवा लेके बैठे हैं, आज तक इलेक्शन नहीं करवाए हैं। इलेक्शन इसलिए नहीं करवाए हैं, ना कोई लीगल तरीके से यहाँ पे है, जब चाहे किसी को हटा दिए, जब चाहे किसी को शोकेस नोटिस दे दिया, जब चाहे किसी का कार्ड कैंसिल कर दिया, अपना मनमानी करना। क्योंकि उनके खिलाफ कोई कुछ बोलता है, वो लोग गलत करते हैं, और अगर कोई बोलता है तो उसके ऊपर ये लोग तुरंत एक्शन लेते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ काम नहीं करते हैं। ये सब देख देख के हम लोग बहुत परेशान हो गए, हमारी संस्था के पूरी मान सम्मान इन लोगों ने मिट्टी में मिला दिया। हम लोग आज 8/8/2023 हम अपने संस्था के अंदर आके बैठे हैं, अपने एसोसिएशन के अंदर आके बैठे हैं, और हम यहाँ आए हैं अपने हक के लिए कि हमारे लिए कुछ अच्छा हो जाए, हमारे लिए कुछ अच्छा करो। बहुत कोशिश किया है, लोगों ने कुछ सुना नहीं। अब ये हमें बाहर से सबको बुला के धमकी दिलवा रहे हैं, कुछ गुंडे बुला रहे हैं, धमकी दिलवा रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी इनके साथ है, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। उनको पता है हम इलेक्शन करके जीत के आए हैं, इलेक्शन था हमारा 2 जुलाई को, हम जीत के आए हैं इलेक्शन में। इनको भी हमने बोला आप भी आओ, सब लोग मिलके कुछ अच्छा करते हैं, लोगों के लिए कुछ अच्छा काम करते हैं। इन लोगों ने नहीं माना, कई बार कोशिश किया नहीं माना, बट आज हमें ये इतना हैरान कर दिए हैं कि हम बहुत फ्रस्ट्रेशन में हैं, और सब हमें आके धमकी दे रहे हैं, हमें मारने की कोशिश, हमें मारने की धमकी, हमें बोलते हैं इनको मारो, दरवाज़ा तोड़ दो, इनको यहाँ से बाहर निकालो। पुलिस भी आके यहाँ हम लोगों को बोलते हैं दरवाज़ा खोलो, नहीं तो हम दरवाज़ा तोड़ देंगे। अगर हमें कुछ भी होता है, हमारे साथ कुछ भी गलत होता है, तो इसका जिम्मेदार प्रशासन होगी, और हमारे साथ कुछ भी होगा, और हम लोग इतना थक चुके हैं। हमारे संस्था के एसोसिएशन का जो जनरल सेक्रेटरी है रंगा दादा, जो कॉप्ट की हुई है 6-7 मेंबर, लवलीन बेंस, भावना जी और पिया बेनिगल, पवन पांडे, आतिश खरत, रजत पोद्दार, ये सब कुछ मेंबर इनके साथ है, 8-10 लोग,
जो ये लोग सब जगह बोलते हैं लड़कियों को काम नहीं दे, अगर हमें काम नहीं मिलेगा तो हमारा घर परिवार कैसे चलेगा, और हमारा घर परिवार नहीं चलेगा तो हम कैसे, हम क्या कर सकते हैं। हम इंडस्ट्री में 22 साल से काम कर रहे हैं, 22 साल से काम करके हमें बाहर क्या काम मिलेगा, और हमें जो भी प्रॉब्लम होगी जो भी चीजें होगा उसका जिम्मेदार सिर्फ यही लोग है, रंगा दादा और ये लोग। अगर हमें कुछ भी हो जाता है, हमें कुछ भी होता है, मैं संस्था के अंदर एसोसिएशन के अंदर बंद हूँ सुबह से, अगर मुझे कुछ भी होता है, लोग मुझे धमकी दे रहे हैं बाहर से आके, अगर मुझे कुछ भी होता है तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ रंगा दादा, भावना जी, लवलीन जी, पवन पांडे, आतिश खरत, सुकांत पानीगिरी और अपना रजत पौदार, ये सारे लोग हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, और इनके जो दो चार स्टाफ हैं, जो ये स्टाफ लोग काम करते हैं, सारे चीजें 2 जुलाई से यहाँ की सीसीटीवी फुटेज ये लोग बंद करके रखे हैं। ये जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है जो हमारी संस्था के सीसीटीवी फुटेज बंद है, और ये बंद करके क्यों रखे हैं, ये 2 जुलाई से बंद करके इन लोगों ने अंदर क्या कांड किया हम लोगों को कुछ पता नहीं है। ये लोग क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, हमेशा किसी न किसी के नाम पे रोटी सेकते हैं। सारी इनकी गलत चीज़ें हम लोगों को समझ में आ गया है, क्योंकि हम लोग सब इनके ही साथ थे। जब हमने देखा ये गलत कर रहे हैं तो हम इनके साथ से अलग हो गए, अलग होके, और आज हमने ये कदम उठाया है। अगर हमें कुछ भी होता है तो इसका जिम्मेदार सिर्फ यही लोग है, और मैं चाहती हूँ मेरे सारे जितने मेंबर है, 2500 मेंबर है, सब हम लोगों को सपोर्ट करें, क्योंकि हम सिर्फ आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं और अपने लिए भी कर रहे हैं, प्लस अपने हम एसोसिएशन के मान सम्मान बचाने के लिए कर रहे हैं। प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत कुछ गलत ये लोग करेंगे हमारे साथ, और ऑलरेडी कर रहे हैं गलत 6 महीने से। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए और अपनी संस्था को बचाइए, ये सबकी जिम्मेदारी है। प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से, आप प्लीज समझिए। आप लोग अभी नहीं समझोगे तो कभी नहीं समझ पाओगे। प्लीज़।